जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कांग्रेस के सांसद और संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके साथ विपक्ष के दूसरे नेता लगातार जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस कराने की मांग कर रहे हैं। 30 जुलाई को इसी मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हो गया। लोकसभा में बजट पर जारी चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर विवाद हो गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो गणना की बात करता है। उनके इस बयान के बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में कहा कि LOP का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, यानी विपक्ष का नेता होता है। इसी दौरान उन्होंने आगे कहा कि OBC की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जाति का पता नहीं है वो गणना की बात करता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री RG1 यानी राजीव गांधी ने OBC को आरक्षण देने का विरोध किया था। OBC की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर की इस बात के बाद विपक्ष के सांसद बिफर गए। पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी बीच में खड़े हो गए। उन्होंने संसद में पीठासीन जगदम्बिका पाल से कहा कि अनुराग ठाकुर ने उनका अपमान किया है, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हो जाति को? स्पीकर सर, इस दे सर माइक नहीं, सर माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, आप तो हमें समझ लीजिए। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सर बोले दी सर मुझे तो बोले सर सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। क्या तरीका? राहुल गांधी के इस बयान के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से किसी सांसद ने कॉमेंट कर दिया कि उसमें अपनी जात भी लिखनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने फिर कहा कि जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसे गाली खाने ही पड़ती है। उन्होंने कहा, मैं खुशी से ये सब गाली खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई है। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी, उसी तरह मुझे भी मछली की आँख दिख रही है। जाति जनगणना करा के दिखाएंगे, आपको जितनी गाली देनी है दीजिए, हम खुशी से लेंगे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने उन्हें गाली दी है, उनका अपमान किया है। हालांकि राहुल ने कहा कि वे अनुराग ठाकुर से कोई माफ़ी नहीं चाहते हैं, उन्हें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की कन्नौज से लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर मंत्री रहे हैं, लेकिन वे उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपने जाति कैसे पूछ ली, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ
अखिलेश के बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा, लेकिन अखिलेश लगातार बोलते रहे कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। बाद में अनुराग ठाकुर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। ठाकुर ने कहा कि मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया था, फिर वे जवाब देने कैसे खड़े हो गए। तो दोस्तों बताते चलें कि केंद्र सरकार ने अभी तक जनगणना के आंकड़े भी जारी नहीं किए हैं। हर 10 साल में जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। पिछली बार 2011 में जनगणना का आंकड़ा आया था, और इन सबके बीच पिछले कुछ समय से विपक्ष जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी भी जितनी आबादी उतना हक का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद वे सबसे पहला काम जाति जनगणना के आंकड़े को जारी करने का कहेंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का दौर भी शुरू हो गया है, और लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी जहां जाते हैं वहां लोगों से उनकी जाति पूछते हैं, उनकी उपजाति पूछते हैं। और अखिलेश यादव का वीडियो भी जारी किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार से ये पूछा कि क्या पिछड़े हो, फिर उस पत्रकार का नाम पूछा, और जैसे उनको पता चला कि इस पत्रकार का सरनेम मिश्रा है तो उन्होंने उसको बाइट देने से इनकार कर दिया। तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप। ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। तो ऐसी चीज़ें अब चल रही हैं कि जाति जनगणना कराने की मांग करने वाले ही अब पूछ रहे हैं कि जाति कैसे पूछ लिया आपने, तो आखिर जाति जनगणना में भी तो जाति ही पूछनी पड़ेगी, जाति ही लिखनी पड़ेगी। तो बहरहाल जाति को लेकर लोकसभा गरमाई हुई है, संसद गरमाया हुआ है, और जाति ही आज की राजनीति का सच है। दोस्तों इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।